ताल्लुकात रखे थे, उसी तरह अर्चना भी अपने शादीशुदा मानव के साथ नाजायज ताल्लुकात रखेगी। अजीत को मारने का बहुत मन कर रहा होगा ना तुम्हारा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारे बहन का पति है। याद है काकी, तभी अब तक यहाँ खड़े, लेकिन मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना अजीत, क्योंकि अगर तूने एक शब्द और अर्चना के खिलाफ निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू वंदो का पति है। तू धमकी दे तो इसमें क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा? तू बोल के तो देख, तू शायद भूल रहा है कि इस वक्त तू मेरे घर में खड़ा है। मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन शायद तू भूल रहा है कि ये वही घर है जहां पे आके मैंने तुझे बहुत मारा था। उस वक्त बात मेरी बहन की थी, और आज जिस पे तू उंगली उठा रहा है ना वो मेरी जिंदगी है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या लगना मत, और मैं तुम लोगों से मेरे और अर्चना के इस रिश्ते को समझने की उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि इस रिश्ते को समझने के लिए इंसान होना जरूरी है। कहाँ गई थी तुम? रसिका ताई के घर गई थी, उनसे कुछ हिसाब किताब बाकी था वो पूरा करके आ रही। यहाँ तो बस लोगों को बहाना चाहिए मेरे भाई और मेरे आई पर दोष मारने का। कुछ हुआ नहीं कि बस दोनों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, हद है। मंजू, इस बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारी आई कैसी है और कैसी नहीं है ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, और इन सारी बातों की शुरुआत कहां से हुई थी ये अगर याद कर लोगी ना, फिर तुम्हें अपने आई पर और अपने भाई पर प्यार नहीं आएगा। आई देखिए आप, आई बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारी आई और तुम्हारे भाई की वजह से आज मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई है। हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, हमारी नजरों में वो गुनेगार थे, गुनेगार हैं और हमेशा गुनेगार रहेंगे। हाँ विनोद, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या दोष है? तो फिर ये बात बार बार मेरे सामने क्यों दोहराई जा रही है? अरे मुझे क्यों गिल्टी फील करवाया जा रहा है? हमेशा से देखती आई हूँ इस घर में मेरे साथ हमेशा से पार्शलिटी होती है, अर्चना के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सारा की सारा घर उसकी तरफदारी करने लगता है और मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है। प्लीज दादा, दादा प्लीज आप लोग मेरी वजह से मत झगड़िए। लेकिन अर्जुन प्लीज दादा। फिलहाल तो 3 दिन बचे, इस 3 दिन में जितने भी पल है उसको हम ऐसे जिए अर्चना कि उसकी यादों के सारे हम जिंदगी भर जी सके।
अरे ये क्या तरीका है चलने का, आंखें फूट गई क्या तेरी? दिखती ना मैं यहाँ खड़ी हूँ? आई मैंने जानबूझकर नहीं मारा। तू जानबूझ के मार या अनजाने में मार, धक्का लगाना मुझे। देख पहले मेरा सर सटकेला है और फिर से धक्का लगेगा ना, ऐसे मारूंगी ऐसे मारूंगी। आई तुम अब पहले जैसी नहीं रही। मतलब अर्चना के जाने की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम पहले जैसे गुस्से वाली हो गई हो। अरे अर्चना क्या गई, तुम्हारी अच्छाइयाँ सब साथ में लेकर गई। अरे ताई जो तुम्हारे घर पे हो रहा है ना वो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम हमारे पास गुस्सा आके क्यों निकाल रही हो? ए उसका नाम मत ले। उसके रहने से या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूँ ऐसी हूँ, बोलने का तो बात कर, नहीं तो भाड़ में जा, नहीं चाहिए तेरी भाजी। पता है लक्ष्मी, ये ताई का गुस्सा नहीं उनका दर्द बोल रहा है। अर्चना के जाने के बाद वो बहुत दुखी हो गई है, पर अपना दुख किसी को बता भी तो नहीं सकती ना। इसी तरह गुस्सा करके अपने आप से भागने की कोशिश कर रही है वो। बड़ी आई सियानी मुझे बोलती है अर्चना के जाने से मैं बदल गई। अरे वो गई तो उसकी बला से मुझे कुछ असर नहीं पड़ने वाला। मैं किसी से डरती नहीं है। जाने तो अभी काम करना चाहिए। खाना क्या पकाने का? खिचड़ी कर देती हूँ, खिचड़ी कर देती हूँ। ये लड़की ने ना पूरा घर उल्टा पुल्टा कर दिया है। जो किया वो अच्छा नहीं किया। घर के लोगों को लेके चीजों तक अपने कब्जे में कर लिया, अपाहिज बना के रख दिया बेटी। सब बदल के रख दिया, कुछ मिलता नहीं है। इतना कि घर की खुशी भी नहीं मिल रही। छोटी छोटी बातों के लिए मिन्नतें करनी पड़ेगी। मानो बेटा जरा उसको फोन तो लगा। लगा है? दे। हाँ मानव। मानव नहीं मैं बोल रही हूँ। आइया आप। ए, अपना रिश्ता कब का टूट चुका है, दोबारा रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं तेरी आवाज सुनने की। ए, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ यहाँ थी तो मुझे काम करने नहीं देती थी, मुझे एक जगह पे बिठा के रखा अपाइज बना के। अभी मुझे तो खपना ही है, एक चीज जगह पे नहीं मिल रही। मुझे बताओ दाल कहाँ है? नीचे से पहले रैक पर दूसरा डब्बा। हाँ और चावल? नीचे से पहले रैक पर तीसरा डब्बा और उसी के साथ आटे का डब्बा भी रखा है। हाँ और चाय पत्ती? आई वो खिड़की के पास ही रखी हुई है। और शक्कर? शक्कर की जगह जरूर बता देना, मेरे घर की असली मिठास चली गई है। नकली मिठास ही सही, मुझे मेरी जिंदगी गुजारनी है। हाँ बस धन्यवाद।
ताई, मैं जा रही हूँ। एक बात पूछूं, क्या तुझे अभी भी लगता है तूने और जीजू ने जो कुछ भी किया वो सही किया? श्रावणी के प्रति तुम दोनों की क्या जिम्मेदारियां हैं इसका एहसास है तुम दोनों को, लेकिन ये परिवार, क्या इसके प्रति तुम दोनों की कोई जिम्मेदारियां नहीं है? ताई, किसी और के लिए अपनी जिंदगी दे देना ये अपनी जिंदगी को दिया हुआ सबसे बड़ा धोखा होता है, क्या तुम दोनों कभी नहीं समझोगे इस बात को? इस दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जिनके अलग स्वभाव होते हैं, समझ होती है, बातें होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तू कहीं गलत है, लेकिन हाँ, हम भी कहीं गलत नहीं है। हमने जो किया हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें किस बात को महत्व देना है, किस बात को महत्व नहीं देना है, इसे तय करने का हक पूरा हमारा होना चाहिए, और हमने वही किया। लेकिन ताई वर्षा, क्या गलत है क्या सही, ये सब कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हमारा नजरिया होता है। आज हमने इस रिश्ते को अच्छे से अपनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ये पवित्र रिश्ता जो किसी भी सरकारी कागज से कहीं ऊंचा है, चाहे हम एक दूसरे से अलग ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये रिश्ता हमेशा रहेगा। मेरी बात को छोड़, मेरे साथ जो होना था वो हो गया, तू अपनी बता, कैसा चल रहा है सब, घर पे सब कैसे, हालात कैसे हैं अभी, भावना का की? ताई, मैं कोशिश कर रही हूँ टूटे हुए घर को संभालने की, लेकिन इन रिश्तों में जो दरारें पड़ चुकी हैं वो बढ़ती जा रही है। छोड़, चल मैं चलती हूँ। चल, मैं तुझे बाहर तक छोड़ देती हूँ। ये क्या, खाना क्यों नहीं खाया तुम लोगों ने? गले से नीचे नहीं उतर रहे क्या? अब ऐसा ही खाना खाना पड़ेगा, वो महारानी नहीं आने वाली खाना बनाने के लिए। जितना भी उसे भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ उतनी उलझती जाती हूँ मैं। आपको मैंने कोर्ट में पहले दिन ही बोला था, उसको घर में मत लाओ, पूरे घर में कब्जा कर बैठेगी। सुना नहीं लेके आए? आपको बहुत प्यार आया था ना बहू पे, हाँ? प्यार करने लगे थे ना, लो भुगत लो। उस दिन मेरा कहा मानते थे ना तो ये दिन देखना नहीं पड़ता था। मैं जो पागल थी, जिंदगी में गलती कर बैठी, पहले से अच्छी खासी नफरत करती थी मैं, अचानक प्यार में बदल गई। जितनी भी दिल से निकालने को देखती हूं निकलती नहीं, दिल में डेरा जमा के बैठी है। Thank you.
ताई। आनम। तू गुस्सा मत क्या करे, तू गुस्सा करते हैं तेरे अंदर का धग और साफ दिखाई देता। मानो तूने अर्चना को जाने से रोका क्यों नहीं बेटा? मैं नहीं रोक सकता था, अगर रोक सकता होता तो उसे जाने क्यों देता? वो चली गई, जाते जाते घर की खुशियां अच्छाई लेके गई रे। मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती मानो। लोग कहते अब इस कविता पहले जैसे हो गई, झगड़ा लो ताने मारने वाली, चिकने चिल्लाने वाली। अरे वो थी तो दया क्षमा शांति मुझ में थी, अब सब चला गया। मानो मानो तो अर्चना को लेके आना बेटा, मानो मानो अर्जु को वापस लेके आना बेटा, वापस लेके आओ बेटा, अर्जु को वापस लेके आओ। मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन इस तरह मुंह मोड़कर। मैंने तुमसे कहा तुम मुझसे बात करो, नहीं ना, इसलिए चुप करो वर्षा। आई देखो वर्षा, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। तुम इस घर में हो क्योंकि सतीश चाहता है तुम इस घर में रहो, इसलिए प्लीज सिर्फ सतीश की पत्नी बन के रहो, मेरी बहू बनने की कोशिश मत करो तुम। आई इन दो भूमिकाओं को मैं अलग नहीं कर सकती, हम सतीश की वजह से जुड़े और जुड़े रहेंगे। एक बात कहूं, मैं आपसे ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। जानती है क्यों? क्योंकि कल जब आपको सच्चाई पता चलेगी ना, तब ये रिश्ता हम वहीं से शुरू करेंगे जिस मोड़ पे हमने इसे छोड़ा है। और वो कभी होगा नहीं वर्षा, क्योंकि जो मैं जानती हूं वही सच है। आज तुम्हें एक फैसला करना पड़ेगा सतीश, या तो तुम वर्षा के साथ रिश्ता तोड़ दो या फिर ये घर छोड़ दो। क्योंकि मैं इसके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती।